हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है सभी का ऑनलाइन स्टडियो में। देखिए, आज हमारे पास है एक बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से हमेशा एग्ज़ाम्स में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं। अगर मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो अगर एग्ज़ाम्स में आप एंट्री करने जा रहे हो और उस टाइम पर अगर आपको रिविजन्स करना है कोई टॉपिक, तो मैं सबसे पहले रिकमेंड करूँगा इसी टॉपिक को एक बार ज़रूर देख करके जाइए, क्योंकि यहाँ से आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिल जाता है देखने को। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं, और इसमें मैंने करंट के साथ साथ कुछ स्टैटिक को भी इंक्लूड कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता प्रत्येक वर्ष होता है, और ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताओं में देखिए चार प्रतियोगिताएं होती है, जिसमें सबसे पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, दूसरा फ्रेंच ओपन होता है, तीसरा विंबलडन होता है, और चौथा लास्ट में सबसे US ओपन। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का विजेता कौन रहा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का देखिए ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में आपको देखने को मिलेगा, मतलब 98% तक चांस यही है, हमेशा पूछा जाता है कि पुरुष एकल विजेता कौन रहा, महिला एकल विजेता कौन रहा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये याद रखेंगे, और इसके बाद एक और मैं इसमें वीडियो लाऊंगा, जब आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा तब हम इसमें उप विजेता को भी इंक्लूड करेंगे, राइट। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें जो मेल यानी कि पुरुष एकल विजेता ऑस्ट्रेलियाई ओपन के कौन रहे, तो नोवाक जोकोविच, जिनका संबंध सर्बिया से, नोवाक जोकोविच जिनका संबंध सर्बिया से। फीमेल यानी महिला एकल विजेता कौन रही, आर्याना साबालेंका, जो कि बेलारूस की है, आर्याना साबालेंका। वीडियो को ध्यान से अगर देखिएगा तो एंड होते होते आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा, तो ध्यान से सुनिए और समझिए। अगर आपसे पूछा है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत सबसे नवीनतम होता है, ठीक है ना, नवीनतम होता है 1905 में सबसे नया ऑस्ट्रेलियन ओपन है, ये ध्यान रखिएगा। तो 1905 यहाँ पे याद रखने, इसकी स्टार्टिंग 1905 में हुई थी। प्रत्येक वर्ष ये जो कि जनवरी से फरवरी माह में होता है, प्रत्येक वर्ष जनवरी फरवरी माह में होता है, और ये ऑस्ट्रेलियन ओपन हमेशा मेलबर्न में होता है, मेलबर्न में। तो यहाँ तक तो आपको याद रखना, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि ये खेला कहाँ पर जाता है, तो ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। पहला और आखिरी हार्ड कोर्ट पर खेलते हैं, सेकेंड जो होता है वो मिट्टी पर खेला जाता है, और जबकि थर्ड वाला जो है वो घास पर खेला जाता है। तो यहाँ पे हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। तो यहाँ पे से आपको दो तीन चीज़ें याद हो गई, नोवाक जोकोविच पुरुष एकल विजेता, आर्याना साबालेंका जो कि महिला विजेता रही यानी महिला एकल विजेता बेलारूस की हैं, साथ ही साथ इसकी स्टार्टिंग 1905 में हुई थी और ये सबसे नवीनतम जो कि ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है, साथ ही साथ इसकी जो प्रत्येक वर्ष आयोजन होता है वो मेलबर्न में होता है, हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, ये चीज़ क्लियर। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट में। अच्छा, सेकेंड पॉइंट में बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि 2023 के बारे में हमने ये नाम देखा, 2022 का भी मैंने यहाँ पे लिख रखा कि 2022 में ऑस्ट्रेलियन ओपन राफेल नडाल ने जीता था, और असले जो बाटी है, असले बाटी कह सकते हैं, इन्होंने महिला एकल पुरुष का खिताब, सॉरी महिला एकल का खिताब जीता था। तो ये ध्यान रखिए, राफेल नडाल और असले बाटी। अब यहाँ पे फ्रेंच ओपन पे आते हैं, जो कि ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता का दूसरा प्रतियोगिता ये माना जाता है, जिसे एक और नाम से जानते हैं हम लोग, रोलैंड गारोस के नाम से जाना जाता है। हो सकता है आपसे घुमा करके पूछा है कि रोलैंड गारोस जो है वो किस ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता को कहा जाता है, या फिर फ्रेंच ओपन 2023 ना लिख करके गोलैंड गारोस अगर आपसे पूछ ले, रोलैंड गारोस जो है वो इस वर्ष के विजेता पुरुष एकल विजेता कौन रहा है, तो ये नाम याद रखना आपको, फ्रेंच ओपन ना कह करके ये भी कह सकता है, रोलैंड गारोस भी कहा जा सकता है। इसमें देखिए, पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविच, इसमें भी नोवाक जोकोविच, इसमें भी नोवाक जोकोविच। इसमें फीमेल जो रही यानी महिला एकल विजेता इगा स्वीटेक, इगा स्वीटेक पोलैंड की है, ध्यान रखिए, लगातार दूसरी बार यानी पिछली बार भी इन्होंने जीता था। फ्रेंच ओपन की स्टार्टिंग जो थी 1891 में शुरू हुआ था, और ये पेरिस में खेला जाता है, मई से जून में ये इसका आयोजन किया जाता है, मई से जून में, और ये क्ले कोर्ट यानी कि जो क्ले वाली मिट्टी है, मिट्टी पर, बस इतना याद रखिए, मिट्टी पर खेला जाता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि फ्रेंच ओपन के सबसे ज़्यादा विजेता कौन रहे हैं, तो राफेल नडाल रहे हैं, इसलिए इनको लाल बजरी का बादशाह, बजरी मतलब क्ले होता है, तो लाल बजरी का बादशाह कहा जाता है, सर्वाधिक इन्होंने जीता है, करीब 14 बार इन्होंने फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम किया हुआ है। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न कई बार पूछा भी है क्या कि लाल बजरी का बादशाह किसे कहते हैं, राफेल नडाल को कहा जाता है। अब बात करते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट, जिसमें हम देखेंगे विंबलडन ओपन 2023, ठीक है। इसमें देखिए, पुरुष एकल विजेता की बात करें तो इसमें जीते हैं कार्लोस अल्कारेज, जिनका संबंध हो जाता है अमेरिका से, कार्लोस अल्कारेज अमेरिका से। और महिला एकल विजेता कौन रही, तो मार्केटा वोड्रोसोवा, मार्केटा वोड्रोसोवा चेक गणराज्य की हैं। तो
नाम आपको हो सके थोड़ा सा दिक्कत करे, लेकिन आप ये नाम ही याद रखिएगा तो काम चल जाएगा। मर्केटा, मर्केटा याद रखिए, मर्केटा, या फिर वोड्रोसोवा भी याद रख लीजिए। चेक गणराज्य की हैं, इसकी शुरुआत 1877 में हुआ था। इसकी शुरुआत 1877 में जून जुलाई लंदन में इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है, लंदन में, विंबलडन ओपन लंदन में, और ये घास पर खेला जाता है। घुमा करके कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है कि ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता की कौन सी प्रतियोगिता जो है वो घास पर खेली जाती है, तो विंबलडन हमेशा घास पर खेला जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसमें अगर हम देखें कि 2022 के विजेता कौन रहे, तो वापस से नोवाक जोकोविच इसमें भी, यानी पिछले वर्ष लगातार तीनों नंबर पे थे नोवाक जोकोविच, इस बार अगर हम देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ थर्ड नंबर पे नहीं है, लेकिन फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जो है प्रतियोगिता उसमें नोवाक जोकोविच का नाम देखने को मिलेगा। तो पिछले वर्ष पुरुष एकल विजेता 2022 में देखें तो नोवाक जोकोविच, और महिला एकल विजेता एलिना रिबाकिना, एलिना रिबाकिना, तो ये सब याद रखिए। अब इसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट, यूएस ओपन 2023। इसमें अगर हम देखें तो पुरुष एकल विजेता वापस से नोवाक जोकोविच रहे हैं, महिला जो विजेता रही वो आपका यहाँ पे ध्यान रखना है कोको गॉफ, कोको गाउफ है, कहीं गॉफ लिखता है, तो इनका भी संबंध अमेरिका से है, ठीक है, कोको गाउफ अमेरिका से है। शुरुआत हुआ था 1881 में, अगर पुरुष की बात करें जैसे कि पुरुष का 1881, महिला जो स्टार्टिंग हुआ था वो 1887 में हुआ था। ये भी आपका हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, अगस्त सितंबर मंथ में ये खेला जाता है, ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट रहेगा। और 2022 में विजेता कौन रहे, तो पुरुष एकल विजेता अलकराज गार्फिया, देखिए ये अलकराज दूसरे हैं, कार्लोस अलकराज अमेरिका के हैं, जबकि ये अलकराज गार्फिया स्पेन के हैं, तो ये नाम याद रखना, कन्फ्यूज़ नहीं करना। और फीमेल में इगा स्वीटेक जो कि विजेता रही थी। अब एक बार फिर से देख लीजिए क्या क्या चीज़ आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में आप अच्छे से आपको याद हो जाएगा कि नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन में थे, दूसरी बार जो फ्रेंच ओपन होता है उसमें भी थे, तीसरे वाले में वो नहीं थे, कार्लोस अल्कारेज आ जाते हैं, और लास्ट वाले में फिर से नोवाक जोकोविच। महिला की अगर हम बात करते तो महिला में पहला अरियाना सबालेंका, बेलारूस की, देश भी याद रखिए उनका संबंध किस देश से। सेकेंड नंबर पर आती हैं इगा स्वीटेक, और थर्ड नंबर पे मर्केटा, और चौथे नंबर पे कोको, यानी चारों में अलग अलग नाम आपको देखने को मिलेगा, आर्याना, ईगा, मर्केटा और कोको, ये चार नाम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद क्या याद रखना है कि पहला और आखिरी जो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, सेकेंड जो होता है वो क्ले पर यानी मिट्टी पर, और तीसरा जो होता है वो घास पर खेला जाता है, बस इतनी ही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। लाल बजरी के बादशाह किसको कहते हैं, राफेल नडाल को कहा जाता है, मैंने यहाँ पे लिख रखा। तो उम्मीद करते हैं कि छोटा सा टॉपिक आपको अच्छे से याद हो गया होगा। इसके बाद हम एग्ज़ाम्स के थोड़े से जब पहले एक और मतलब एक और वीडियो इस पर लाएंगे, ताकि उसमें हम उप विजेता के बारे में डिस्कस कर सकें। फिलहाल अगर आपको एक नाम याद रहेगा तो उस वक्त दूसरा नाम याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर अभी एक और नाम इसमें ऐड कर दिया जाएगा उप विजेता का, तो थोड़ा सा आपको याद करने में दिक्कत हो जाए और फिर पेचीदा हो जाएगा, तो हम लोग बाद में देखेंगे, राइट। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।